तलाक और रिश्ते में धोखा सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं होता, साउथ सिनेमा इसमें चार पैर आगे निकल चुका है। मेगा स्टार चिरंजीवी के छोटे भाई और रामचरण के चाचा सुपरस्टार पवन कल्याण अपनी तीसरी विदेशी पत्नी को तलाक देने जा रहे हैं। दो पत्नियों को छोड़ने के बाद अब पवन कल्याण के तीसरी पत्नी से भी रिश्ते खराब हो गए हैं। कल्याण की तीसरी पत्नी एन्ना लेजनेवा काफी वक्त से अलग होकर बच्चों के साथ विदेश में रह रही है। पिछले कई फैमिली फंक्शन में एन्ना पवन कल्याण के साथ नजर नहीं आई। हाल ही में रामचरण की बेटी का नामकरण हुआ जिसमें पवन कल्याण तो पहुंचे लेकिन एन्ना यहां भी नहीं आई। पवन कल्याण की पहली शादी साल 1997 में नंदिनी से हुई थी लेकिन 11 साल बाद साल 2008 में उनका तलाक हो गया। इसके एक साल बाद साल 2009 में पवन कल्याण ने फिर से शादी की और इस बार रेणु देसाई को अपनी पत्नी बनाया लेकिन 3 साल में उन्होंने ये रिश्ता भी तोड़ दिया और रेणु को साल 2012 में तलाक दे दिया। इसके एक साल बाद पवन कल्याण ने तीसरी शादी की और एन्ना को अपनी पत्नी बनाया और 10 साल बाद कल्याण का ये रिश्ता भी टूटने जा रहा है। बताया जा रहा है कि पवन जल्द ही अपने तलाक का ऐलान कर सकते हैं। कल्याण के इस रिश्ते के टूटते ही उनकी चौथी शादी के भी कयास लगाए जाने लगे हैं। लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर कल्याण की पत्नियों में कोई कमी है या फिर उनमें कोई दिक्कत है। तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार पवन कल्याण हिंदी प्रदेशों में भी काफी मशहूर हैं। उनकी डब फिल्में लोगों को खूब पसंद आती हैं। फिलहाल आज के दौर में जहां लोग एक शादी नहीं निभा पाते वहां कल्याण तीसरी बार तलाक देने जा रहे हैं। वेल, आप क्या कहेंगे इस पर? अपनी राय हमें कमेंट में दीजिए और ज्यादा ऐसी अपडेट्स के लिए बॉलीवुड पे चर्चा को सब्सक्राइब कीजिए।